पता नहीं एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एक मोटर खराब हो गया है, क्या है आवाज आ रहा है इसमें से। ओह माय गॉड, थर्ड लैंडस्लाइड ऑफ द डे। तो सनी की ड्यूक में कुछ इशू आ रहा है। This is Jason and that's Sunny. की हाल चाल? सत श्री अकाल। So, दोस्तों हम लोग ताबो में हैं। कल फाइनली हमें एक अकोमोडेशन मिल गया था। यहाँ बहुत भीड़ आई हुई है, बहुत सारे लोग आए हुए, टूरिस्ट आए हुए, इसलिए ना ये जहाँ भी अकोमोडेशन था ना यहाँ पे सब फुल था। अभी का सीन ऐसा है, हम लोग निकल रहे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं और आज थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मेरे दो दोस्त मुझसे बिछड़ने वाले हैं। हम लोग 4 आए थे और 2 हो जाएंगे। क्यों? गृहस्थी संभालनी है भाइयों ने और बुलू भाई को भी वापस जाना है, तो मैं और खन्ना जी यहाँ से जाएंगे मनाली और बुलू भाई और सनी जाएंगे दिल्ली को। मौसम अच्छी बात है, आज खुला हुआ है, पिछले 2 दिन से बारिश हो रही थी, अभी इट्स वेरी सनी। बाइक्स हमारी सेट हैं, भूसा मैंने साफ कर ली, चमका दी है, लगेज हमने दोबारा से बांध लिया है। यानी हे दिस, इसके बारे में कल मैं बात कर रहा था, पता नहीं एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एक मोटर ख़राब हो गया है, क्या है आवाज़ आ रहा है इसमें से, बट अभी तक बाइक स्टार्ट हो रहा है, अच्छी बात है। तो थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। मूंगी का पराठा सवेरे सवेरे, आज अलविदा कहने का टाइम आ गया, अब मुँह से देख सकते हो। फिर मिलेंगे ये तो पक्की बात है, बट 6 दिन कैसे गए पता लगा, मजा आया ना? मजा आ गया है सच में। क्या सबसे अच्छी मेमोरीज थी? सबसे अच्छी मेमोरीज ये है कि जो हम में जो केमिस्ट्री रहता है ना सब में, सही, जो साथ साथ अंडरस्टैंडिंग रहता है, वो फ्रीक्वेंसी मैच होता है, मतलब खाना पीना सब कुछ। देखो अभी तक एक भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आया। हाँ। खाने का देख लो, मैं साउथ मतलब उस तरफ से हूँ, हाँ। ये है नॉर्थ से, अगर देखोगे खाने के स्टाइल में बहुत डिफरेंस है, लेकिन हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया सब कुछ। अच्छा एक और अच्छी चीज क्या रही इस रोड ट्रिप की ना, कि कम लोग थे तो कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया रहा, पीस ऑफ माइंड था, ज्यादा किसी के लिए कुछ भी सोचना नहीं पड़ा, सब एकदम बढ़िया से चल रहे थे। सबसे इंटरेस्टिंग क्या पता है, हम लोगों को बहुत जगह पे रूम भी मिल गया जहाँ पे 4 लोग एकोमोडेट कर सकते हैं। हाँ, ये भी मजा है। 5-6 हो जाते हैं फिर नहीं हो, 2 रूम लेना पड़ता है, तो ये बेस्ट पार्ट है। मतलब बिलीव मी इट्स नॉट अबाउट मनी, इट इज जस्ट दैट कि एक रूम में अगर 4 बंदे रहते हैं ना, खट्टी होटी होता है, बातचीत होता रहता है, बहुत मजा आता है, डेटा शेयर होता है। कल का रूम कितना छोटा सा रूम है लेकिन 4 बंदे कितना मजा आया, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, बहुत मजा आया। तो यही एक यूएसपी है, देखो ग्रुप आपका कितना भी हो मतलब छोटा रहेगा तो पीस ऑफ माइंड इजी रहेगा, राइट, राइट। और लाइक माइंडेड पीपल होंगे वो जरूर, तो अच्छे से सफर कट जाएगा। Exactly. अभी 6 दिन कैसे गए वैसे बिल्कुल पता नहीं लगा, बट आज ही अलग हो जाएंगे तो इससे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, मुंह देख के आपको पता चल रहा होगा, मतलब मुंह में हंसी है लेकिन ओवरऑल। चलो सही है दोस्तों, अब निकल रहे हैं यहाँ से, 8:30 हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, सामान हमारा सब पैक है, मिलते हैं आपसे मोटरसाइकिल के ऊपर। सही है, ऑल सेट टू गो, टाइम हो गया 8:47, तो समझ लो 9 बजे, 5 बजे उठे थे, 4 घंटे लेट प्रोग्राम था 6 बजे निकलने का, बट चलो ठीक है यार दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे यहाँ पे हमें बहुत सारे बाइकर्स मिले जो सब डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि रास्ता बंद है, अब वो लोग भी कुल्लू होते हुए मनाली जाएंगे, कुछ लोग वापस लौट गए अपने घर को, हमारे साथ भी यही सीन है, थोड़ा सा बुरा लग रहा है बट क्या करें यार, जर्नी तो पूरा करना ही करना है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। फिर से हमें मिल गया बकरियों का ट्रैफिक। ए चोटू क्यूटी, मेरे को सच में यार जानवर बड़े प्यारे लगते हैं, लवली लवली, दिल करता है एक को तो यहाँ टंकी पे रख के ले जाओ, क्यों करना जी, ऑफिस ले चलें। अभी गाइस हमने पीछे में एंट्री कराई है सामदो चेक पॉइंट पे, यहाँ से चाइना का बॉर्डर है 10 किलोमीटर्स अवे एंड नाको है 33, हमें जाना रामपुर 245, तो 245 किलोमीटर तो हम सब ने साथ में जाना ही जाना है। लेट मी टेल यू, पीछे में ना कैमरा उतरवा देते हैं चेक पॉइंट के बाद में, इसीलिए मैंने कैमरा हटा दिया था, अभी जैसे ही चेक पॉइंट क्रॉस हुआ है तो मैंने कैमरा दोबारा से लगाया है ब्लॉक करने के लिए। सो सनी की ड्यूक में कुछ इशू आ रहा है, कुछ वाइब्रेशन कर रहा है, तो मैं चला के देखता हूँ। खन्ना जी ये बैकपैक पहनना पड़ेगा आपको, नीचे से काफ़ी वाइब्रेशन आ रही है,
ओए होए 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 खन्ना जी का तोरा भाई, अभी रियलाइज हो रहा है ड्यूक भी किसी से भी कम नहीं है, बहुत पावर है, बहुत हल्की चलती है और क्या मजा आ रहा है मुझे तो इस पे बैठ के यार। ये राइडिंग पोस्चर सीधे सीधे वाला बहुत बढ़िया है। बूसा में मुझे एक इशू आ रहा था कि मेरे जो ये बैकपैक है ना, इसके अंदर बहुत सारा सामान है, लैपटॉप है, उसकी वजह से वेट बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी देर में फील होने लग जाता है। बट यार इसमें क्या मज़ा आ रहा है, मतलब ये हमने पहले क्यों नहीं किया खाना जी, सही मज़ा आ रहा है। टाइम टू स्विच द बाइक्स, क्योंकि ऑब्वियसली खन्ना जी बहुत अच्छी चला रहे हैं बट हम ज़्यादा रास्ता कवर नहीं कर पा रहे हैं। नहीं स्लो नहीं, सेफ चला रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ इसमें वाइब्रेशन आ रही है, यहाँ से शूटिंग स्टोन एरिया स्टार्ट होता है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। गाइस रोड बहुत ख़राब है, मेरे दिल में ना एक ख़राब सी शायरी आ रही है इस ख़राब रोड को देख के, खन्ना जी को सुनाऊंगा, मेरे से इंटरकॉम पे कनेक्टेड है, सुनिए। अर्ज किया है, उत्तों पैंदी धुप अंदर लगी भुख, होली चलाई मुंडिया किथे हो ना जाए कोई चुक, ओ बल्ले नी बल्ले शेरा। स्पीकर लगाओ, स्पीकर गाने बजाते हैं भाई। आगे है रोड बंद, हमें रुकना पड़ेगा यहाँ पे, उधर का ट्रैफिक रोक दिया, यहाँ का ट्रैफिक रोक दिया है। गाइस यू हैव टू बिलीव, मतलब ये धरती भी हल्का हल्का कांप रहा है, कितनी पावर होगी इस मशीन में मैन। ये वाले आर्मी ट्रक में घोड़ा जा रहा है, ऊपर से सिर्फ उसके कान नजर आ रहे हैं। हाँ दो घोड़े जा रहे हैं। खन्ना जी घोड़ों को दिक्कत नहीं होती होगी यार पहाड़ों में, उल्टी नहीं आती होगी इनको? व्हाट अ व्यू, सामने से दो बाइकर्स आते हुए, अमेजिंग मैन। ये वैसे जाम है यहाँ पे, हमें आएगा खाब, मतलब आगे रास्ते में 1 किलोमीटर के बाद एक जगह आएगी जिसका नाम है खाब, उसके बाद आएगा पू, जगह का नाम है दोस्तों, क्या सोच रहे हो आप, पू। सो वी आर वेटिंग फॉर सनी, सनी रह गए बहुत पीछे और बुल्लू भाई निकल गए बहुत आगे, और अब देखो आपको जादू दिखाता हूँ, स्टील टो का टेस्टिंग हो रहा है यहाँ पे, अब देखो टाइम तो पास करना ही है। ये सही है, रास्ते पे फिर से काम चल रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ भी ताज़ा ताज़ा लैंडस्लाइड हुआ है, सामने में जेसीबी काम कर रहा है। ओ माय गॉड खन्ना रुक जा, ऑनेस्टली बहुत ही ड्रामेटिक सीन है, हम लोग इतने नज़दीक हैं कि हमारे ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है, बट बाइक्स पीछे नहीं कर सकते क्योंकि पीछे जाम लग गया है, तो एग्जैक्टली वो जेसीबी पत्थर और मिट्टी यहाँ गिरा रही है जिसकी वजह से हवा से ये मिट्टी ऊपर को आ रही है। एंड बाय द वे हवा बहुत तेज़ चल रही है और थोड़े थोड़े पत्थर भी गिर रहे हैं पहाड़ों से। कहना भले ये बता फ़ायदा क्या हुआ भूसा को 200 पे भगाने का, मतलब दोस्तों होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। मुझे पता है बुल्लू भाई यार 3-4 घंटे आगे हो गए होंगे, सही बात है, क्योंकि बहुत देर हो गई यहाँ अटके हुए, रास्ता क्लियर नहीं हो रहा। भागो 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 भागो, रास्ता हो गया क्लियर फाइनली आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ वेटिंग, बहुत बढ़िया। अरे आप जानते हो क्या बात है भाई, ये तो दिल खुश करने वाली बात कर दी, मोस्ट वेलकम। इधर से ही हो आप, इधर ही तो, यहाँ नेटवर्क तो कहाँ आता होगा, कैसे देखते हो वीडियो? नेटवर्क नहीं, पू में आता है नेटवर्क, अच्छा पीछे नेटवर्क आया था, सही है। चलो खाना खाली हो गया, आगे निकल सकते हैं, अब खाली हो गया ना। थर्ड लैंडस्लाइड ऑफ द डे, क्या हो रहा है हमारे साथ यार, क्या हो रहा है आज भाई लोग, यूट्यूबर्स लाइफ। आगे रास्ता बंद है, लैंडस्लाइड हुआ है, एंड बिलीव यू नॉट थर्ड लैंडस्लाइड ऑफ द डे, तीसरी बार रास्ता ब्लॉक हुआ है,
और अभी एक घंटे के लिए रास्ता ब्लॉक है, तो पता मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक वीडियो एडिट किया था यहाँ पे और उसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ फ़ोन में, और अभी अभी नेटवर्क मिला है हमें मोबाइल का, जिसकी वजह से हमें लग रहा है हमें वरदान मिल गया है। उस वरदान को सही से इस्तेमाल करना चाहिए, अभी के अभी यहीं से एक वीडियो अपलोड करना चाहिए आप सबके लिए। इसी बात पे ठोको लाइक। दोस्तों खुल गया जाम बट हो गई शाम, कहने का मतलब है 2 बज चुके हैं, अपनी बैटरी डाउन हो गई है क्योंकि खाया कुछ नहीं, वो पत्थर गिर रहे हैं भाई ऊपर से। भागो ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं सीरियसली। अरे प्लेजर इज ऑल माइन मैन, मतलब यू आर डूइंग ग्रेट जॉब मैन, श्योर श्योर व्हाई नॉट, माय प्लेजर। सब कुछ सफेद हो गया सीरियसली, ओ माय गॉड, मतलब इतनी मिट्टी चढ़ी है कि मेरी मूछें वाइट हो गई है। गाइस कैन यू सी दैट स्नो कवर्ड माउंटेन, एक्चुअली यहीं पे है किन्नर कैलाश जिसका व्यू आता है कल्पा से, और कल्पा का कट रह गया पीछे में। आ गया पेट्रोल पंप आ गया फाइनली 200 किलोमीटर के बाद, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अपनी बत्ती जल रही है, मतलब पेट्रोल ख़त्म है इसके अंदर में। ये होता है टैंक बैग का असली यूजेज, बेसिकली बहुत इजी टू एक्सेस चीज़ें यहाँ रखो। अभी जैसे मैं फिलिंग करा रहा हूँ, मेरे को डलवाना पड़ेगा ऑक्टेन बूस्टर साथ में, तो सब कुछ यहीं है मेरे पास। बारिश से बचने के लिए पॉलीथिन भी है, स्टिकर्स भी हैं, ये भी है ब्लेड, एंड वाइज़र क्लीन करने के लिए भी मेरे पास यहाँ पे देखो ये लिक्विड मोली का वाइज़र क्लीनर पड़ा है, एंड यहाँ पे मेरे पास में एक बढ़िया वाला कपड़ा भी है साफ़ करने के लिए। एंड गाइस आल्सो मेरा ब्लॉगिंग वाला कैमरा, मेरा मोबाइल, ट्राइपॉड, चश्मा आई विल एप्स का, मेरा वॉलेट, सब कुछ इसके अंदर में है, इजी एक्सेस यू नो। ओह माय गॉड इट वाज अ क्रेजी राइड मैन। 8 घंटे हो गए दोस्तों हमें निकले हुए, शाम के 5 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं रामपुर। अब करेंगे लंच, 1 घंटे का रेस्ट, उसके बाद अलग अलग हो जाएंगे। ये भाई सब जाएंगे दिल्ली को, क्योंकि बुल्लू भाई बहुत आगे जा चुके हैं, और हम दोनों जाएंगे यहाँ से मनाली को पहाड़ियों में। गाइस इट्स 6:35, हमने कर लिया लंच ब्रंच डिनर, सब कुछ यहीं कर लिया है। अब मैं यहाँ से विदाई ले रहा हूँ अपने भाई से, सनी से, अब दिल्ली जाके मिलेंगे इससे, उम्मीद है कल पहुँच जाएगा बुल्लू भाई के साथ में। बुल्लू भाई आगे हैं शिमला में, ये जाके उनको ज्वाइन करेगा, रात को माल रोड घूमेगा पूरा। मैं और खन्ना जी निकल रहे हैं टूवर्ड्स कुल्लू, और हो पाएगा तो आज की रात मनाली में, सो लेट्स सी होता है क्या। वैसे 6:30 हो चुके हैं जैसा आपको बताया, सनलाइट बहुत कम है, रास्ता बहुत लंबा है और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 300 किलोमीटर शायद, 300 प्लस है, 300 प्लस किलोमीटर्स। ओ माई गॉड बाय बाय, राइड सेफ, रीच होम सेफली, मिलेंगे बहुत जल्दी। सो नाउ गाइस ये सीधा रोड जाता है शिमला के लिए, और ये नीचे उतरता है कुल्लू के लिए, एंड वी गोना टेक दिस रोड टुवर्ड्स जलोरी पास। यो माय लवली पीपल, इट्स 8:52 और हम लोग खड़े हैं जलोरी पास पे। मौसम बहुत ठंडा है क्योंकि हाइट पे हैं हम लोग। सामने में महाकाली का मंदिर है, एक माता का मंदिर है, तो यहाँ से ब्लेसिंग्स लेके हम लोग जा रहे हैं कुल्लू। रात बाकी बात बाकी मेरे दोस्तों, 10 बज चुके हैं, हम लोग टनल में पहुंच गए हैं जो मनाली को हमें ले जाएगी। सीरियसली मैन बड़ा फन, बहुत मज़ा आया जलोरी वाले रोड पे ना राइड करके। अब दिल कर रहा है एक बढ़िया सी चाय मिल जाए पीने को, फिर चक दे फटे हो जाएगा, नाप दे खिली हो जाएगा। ओहो बहुत टेस्ट है यार। व्हाट अ फन गाइस, बट नीचे ना पानी गिर रहा है, रोड थोड़ा सा गीला है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब हम लोग एग्जिट ले रहे हैं टूवर्ड्स कुल्लू, और वहाँ से 1.5-2 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे मनाली अपने होटल में, अगर हमें ट्रैफिक जैम नहीं मिला तो। यो माँ बाबा खन्ना, पैर नीचे मत रखियो, लेट्स सी You can do it. Yes. Yeah.
लॉट ऑफ वाटर एवरीवेयर, वाटर वाटर एवरीवेयर। तो मनाली रह गया सिर्फ 4 किलोमीटर, रात के 12:05 हो रहे हैं। गाइस ठंड बहुत बढ़ चुकी है एंड यहाँ पे कुछ टॉल देना पड़ता है हमें 2-व्हीलर का 100 रुपया। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हडिम्बा टेम्पल के पास में, यहीं पे है अपना अकोमोडेशन हमारे प्यार सिंह जी का, हमारे मित्र का। लास्ट टाइम लद्दाख से वापस आए थे तो भी यहीं रुके थे, अभी लद्दाख को जा रहे हैं तो भी यहीं रुक रहे हैं। सो खोपचे में है हमारा गेस्ट हाउस जहाँ पे बाइक्स हो जाएंगी सेफली पार्क्ड एंड वी अराइव्ड। तो इसी नोट पे कर दें क्या वीडियो क्लोज, मेहनत हमारी रहमत उसकी और प्यार आप सभी का। कल आपसे मिलेंगे, बढ़िया से मुलाकात करेंगे, 2-4 दिल की बात करेंगे। अभी के लिए बाय।